टेक्नोज के एक और फ्रेश एपिसोड में सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं जियो से। जियो आए दिन अपने कस्टमर्स के लिए डेली नए नए प्लान लेके आता रहता है। दोस्तों जियो का इस समय एक नया प्लान आया है 249 का। दोस्तों इस प्लान में आपको डेली का 2 GB का डेटा और आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली के 100 SMS फ्री मिल जाते हैं। दोस्तों इस ऑफर की वैलिडिटी 28 दिनों के लिए है और दोस्तों इस ऑफर में आपको जियो सिनेमा और जियो टीवी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है। दोस्तों अगर आप इस पैक के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी जाके इसको रिचार्ज करवाएं। दोस्तों बात करें न्यूज की तो आ रही ओप्पो से। दोस्तों ओप्पो का A74 डिवाइस बहुत जल्द लॉन्च होने लगा। दोस्तों यह डिवाइस कुछ दिनों पहले गूगल प्ले कंसोल पर लिस्टेड पाया गया था। वही दोस्तों यह डिवाइस अब चाइना के गीक बेंच साइट पर मॉडल नंबर CPH2219 के साथ लिस्टेड पाया गया है। दोस्तों यह फोन 6 GB रैम के वेरियंट के साथ लॉन्च हो सकता है। वही दोस्तों बात करते हैं इसके गीक बेंच स्कोर की तो इसको मल्टी कोर में मिला है 1042 और सिंगल कोर में मिला है 306। अब दोस्तों देखते हैं यह फोन कितनी जल्दी मार्केट में लॉन्च होता है और किस प्राइस पे लॉन्च होता है। दोस्तों बात करें अगली न्यूज की तो आ रही है ऑनलाइन स्मार्टफोन में मार्केट को हुई बढ़ोतरी को लेके। दोस्तों साल 2020 में कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन स्मार्टफोन के मार्केट में 45% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से 48% मार्केट शेयर के साथ फ्लिपकार्ट पहले नंबर पर है, जबकि 44% की मार्केट शेयर के साथ अमेजॉन दूसरे नंबर पर है। वही दोस्तों बात करें साल 2020 में सबसे ज़्यादा सेलिंग करने वाले टॉप 5 ब्रांड की तो सबसे पहले नंबर पर आता है शाओमी, दूसरे नंबर पे आता है सैमसंग, तीसरे नंबर पे आता है रियलमी और चौथे नंबर पे आपका वीवो आता है, जबकि पांचवे नंबर पे आपका वन प्लस आता है। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस समय किस कंपनी का डिवाइस यूज कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज की तुम्हारी सोनी से। दोस्तों सोनी का सोनी एक्सपीरिया 1 का 3rd edition 14 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। दोस्तों बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको 4K HDR OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और वही दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की सीधी टक्कर मार्केट में पहले से मौजूद सैमसंग गैलेक्सी S21, MI 11 अल्ट्रा और वीवो X60 Pro Plus से होगी। दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज की तो वाई टेक्नो से। दोस्तों टेक्नो नेक्स्ट वीक भारत में अपना टेक्नो एक्सपायर 7 लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों बात करें डिवाइस के डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.8 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको मीडिया टेक हिलियो G85 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यह डिवाइस 10,000 की प्राइस में लॉन्च होगा। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन इस कंपनी का डिवाइस परचेज करना चाहता है। दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज की तो आ रही है हैम्बलॉन की इलेक्ट्रिक कार को लेकर। दोस्तों यह कार सौर ऊर्जा से चार्ज होती है और एक बार चार्ज होने पर यह आपको 800 किलोमीटर का माइलेज देती है। दोस्तों इसकी छत पर सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं। वही दोस्तों इस कार को आप $300 लगभग 22,000 रुपये में देके प्री बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी ने दावा किया है कि इस कार की पहली डिलीवरी आपको 2025 में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप इस कार के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसकी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको प्री बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज की तो आ रही है पबजी से। दोस्तों पबजी का कार्किन मैप 7 अप्रैल से यूजर्स के लिए धीरे धीरे रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यह मैप पिछले साल PC वर्जन के लिए फरवरी में लॉन्च हो चुका था और अब यह मोबाइल वर्जन के लिए लॉन्च हो रहा है। वही दोस्तों कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यह मैप वैकेंडी मैप को रिप्लेस कर देगा। दोस्तों बात करें अगली न्यूज की तुम्हारी मोटोरोला से। दोस्तों मोटोरोला का मोटो जी फ्यूजन बहुत जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों बात करें इस फोन के हाईलाइट फीचर की, इस फोन में आपको 108 MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल सकता है और इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह फोन किस प्राइस में आता है और कितनी जल्दी आता है। दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज की तुम्हारी सैमसंग गैलेक्सी A52 के 5G वेरियंट के लॉन्च को लेकर। दोस्तों यह फोन बहुत जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों कुछ दिनों पहले यह फोन BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्टेड पाया गया था। दोस्तों यह फोन IP67 की रेटिंग के साथ में आता है। दोस्तों कंपनी का यह दावा है कि यह फोन 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा यह फोन किस प्राइस रेंज पर लॉन्च होता है। दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज की तो वाली शाओमी से। दोस्तों शाओमी का MI 11 अल्ट्रा की प्राइस रिवील हो चुकी है। दोस्तों यह फोन भारत में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के साथ 70,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हो सकता है। अब दोस्तों इसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी हमें 23 अप्रैल को इसके लॉन्च में पता चल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की टेक न्यूज आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।